हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, फाइनेंशियल मार्केट। तो आज हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? फाइनेंशियल मार्केट। स्टूडेंट्स, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। फाइनेंशियल मार्केट क्या काम करती है, क्या है? एक लिंक है किसके बीच? सेवर्स एंड बोरोवर्स। दिस मार्केट ट्रांसफर्स द मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी। ये क्या करती है? ट्रांसफर करती है मनी को और कैपिटल को किनके पास से? जिनके पास ये ज़्यादा होती है। हु हैव सरप्लस टू दोज हु आर इन नीड। किन्हें? जिन्हें इसकी ज़रूरत है। जनरली द इन्वेस्टर्स आर कोल्ड सरप्लस यूनिट्स। जो भाई इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें हम सरप्लस यूनिट्स कहते हैं। और बिजनेस एंटरप्राइजेज आर कोल्ड डेफिशिट यूनिट। जो बिजनेस एंटरप्राइज हैं वो कैसी हैं? डेफिशिट यूनिट्स। सो फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर मनी सप्लाई फ्रॉम सरप्लस यूनिट्स टू डेफिशिट यूनिट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सरप्लस एंड डेफिशिट यूनिट्स एंड ब्रिंग्स टूगेदर द बोरोवर्स एंड लेंडर्स। जैसे कि आप इधर देख पा रहे हो नीचे डायग्राम में कि हाउस होल्ड है सेक्टर, वो क्या है? सरप्लस यूज्ड। वो अपने पैसे बैंक को देता है, बैंक से फाइनेंशियल मार्केट को देता है। और यही फाइनेंशियल मार्केट या फिर बैंक क्या करता है? बिजनेस फर्म को जो डेफिसिट होते हैं उन्हें वो फंड प्रोवाइड करवाते हैं। देयर आर मेनली टू वेज थ्रू विच फंड्स कैन बी एलोकेटेड। दो रास्ते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज वाया बैंक एंड सेकेंड इज फाइनेंशियल मार्केट। पहले तो ये बैंक के थ्रू है कि बैंक में जो सेवर्स होते हैं वो पैसे जमा करवा देते हैं और बैंक जो डेफिशिट यूनिट्स होते हैं उन्हें वो लोन के रूप में प्रोवाइड कर देते हैं। द हाउस होल्ड हु आर सरप्लस यूनिट मे कीप देयर सेविंग इन बैंक्स। दे मे बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम कैपिटल मार्केट। द बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट बोथ इन टर्न लेंड द फंड्स टू बिजनेस फर्म विच इज कॉल्ड डेफिशिट यूनिट्स। तो फर्स्ट इज आवर, इसमें सबसे पहले आएगा हमारा फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कि फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या फंक्शन है, क्या वो काम करते हैं। सबसे फर्स्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़। कि भाई जो हमारी सेविंग्स होती हैं उन्हें मोबिलाइज करते हैं, चैनलाइज करते हैं कहाँ पर? जहाँ पर उनका मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ हो सकता है। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियल मार्केट्स ट्रांसफर सेविंग ऑफ सेवर्स टू मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। फैसिलेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। भाई प्राइस कैसे डिटरमाइंड होता है? स्टूडेंट आपने पढ़ रखा है डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग वो होता है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज इन फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द वेरियस प्राइस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। मतलब शेयर्स का, डिवेंचर्स का प्राइस भी इसी के थ्रू डिसाइड होता है। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी मतलब कि अब जब चाहे उस फाइनेंशियल एसेट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, वो भी आपको प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल मार्केट। इन फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कैन बी बॉट एंड सोल्ड इजीली। सो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू कन्वर्ट सिक्योरिटीज इन कैश। नंबर 4, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो अगर मान के चलो इन्वेस्टर को, सेवर को सभी चीज़ों के बारे में पहले से पता है, सो इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज डू नॉट हैव टू स्पेंड मच ऑन गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ रेडिली अवेलेबल इन फाइनेंशियल मार्केट। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे फंक्शंस। अब आता है कि हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट है वो कैसे क्लासिफाइड है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है वो दो सेगमेंट्स में डिवाइड है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। वन इज आवर कैपिटल मार्केट, सेकंड इज आवर मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट जो होती है वो होती है फॉर लॉन्ग रन, और मनी मार्केट होती है मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। कैपिटल मार्केट अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, जो कि डील करती है इक्विटी एंड डेप्ट में, और सेकेंडरी मार्केट जो कि स्टॉक एक्सचेंज भी होती हैं वो भी डील करती हैं डेप्ट और इक्विटी में। तो स्टूडेंट बेसिकली जो मेन डिफरेंस है इन दोनों में, मनी मार्केट इज मेंट फॉर शॉर्ट टर्म एंड कैपिटल मार्केट इज मेंट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज कैपिटल मार्केट में आएंगी, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज मनी मार्केट में आएंगी। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स।
मेंट फॉर यूज फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर, जो कि 1 साल के लिए, जिनका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 साल। जनरली मनी मार्केट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। अब देखो, हमें अगर वर्किंग कैपिटल के लिए कम समय के लिए अगर पैसे चाहिए तो वी अप्रोच मनी मार्केट, क्योंकि मनी मार्केट इज़ द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाती है। ट्रांजैक्शंस ऑफ मनी मार्केट इंक्लूड लेंडिंग एंड बोरोविंग ऑफ कैश फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल्सो सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज हैविंग 1 ईयर टर्म और विच गेट्स रिडीम्ड या फिर पे बैक विद इन 1 ईयर पीरियड। मनी मार्केट इज़ नॉट अ फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया, पहली बात, मनी मार्केट इज़ नॉट अ फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया, पहली बात आई थी, शॉर्ट टर्म के लिए है और इसका कोई फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस विच डील विद शॉर्ट टर्म डेब्ट्स, अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म डेब्ट में डील करता है वो सभी किसका पार्ट है, मनी मार्केट का। द कॉमन इंस्टीट्यूट्स आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदर कॉमर्शियल बैंक्स LIC, GIC, UTI एक्सेट्रा। मैनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस डील इन ऑन टेलीफोन एंड फैक्स ओनली, जो टेलीफोन और फैक्स पे काम करते हैं। फीचर्स क्या है मनी मार्केट के, पहला फीचर मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, सेकेंड नो फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन, मेजर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व, कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट इज कॉल्ड कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, CP, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर एंड कॉमर्शियल बिल। तो अभी इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो इसके इंस्ट्रूमेंट हैं, सबसे पहला जो इसका इंस्ट्रूमेंट है वो है कॉल मनी। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज कॉल मनी। द मनी बोरोड और लेंट ऑन डिमांड फॉर अ शॉर्ट पीरियड विच इज जनरली 1 डे, 1 दिन के लिए सिर्फ, मतलब जो पैसे बोरोड एंड लेंट ऑन डिमांड फॉर अ शॉर्ट पीरियड विच इज जनरली 1 डे, संडे एंड अदर हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड फॉर दिस पर्पज, जिसमें हम संडे को और अदर हॉलीडे को स्टूडेंट्स इंक्लूड नहीं करते हैं। मोस्टली बैंक यूज कॉल मनी, अब इसको कौन यूज करता है स्टूडेंट्स, बैंक्स। व्हेन वन बैंक फेसेस टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ कैश, अगर किसी बैंक को टेम्पररी कैश की शॉर्टेज है, देन द बैंक विद सरप्लस कैश लेंड्स टू बैंक इन शॉर्टेज फॉर 1 or 2 days। तो जिस बैंक के पास सरप्लस पैसे होते हैं वो उसे पैसे उधार दे देता है, उसे लोन दे देता है 2-4 दिन के लिए। कॉल मनी इज कॉल्ड इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट, वैसे एक तरह से कॉल मनी को हम क्या कहते हैं, कॉल मनी इज कॉल्ड इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट। बट इवन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज एक्सेट्रा ऑल्सो डील विद कॉल मनी, वो भी डील करती है। इट इज़ अ मार्केट ओवर द टेलीफोन, ये सारी मार्केट किस पे चलती है, टेलीफोन पे। और द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कॉल मनी आर एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड इट्स लिक्विडिटी इज जस्ट नेक्स्ट टू कैश, इसको एक तरह से क्या समझा जाता है, नेक्स्ट टू कैश। मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक्स रिक्वायर कॉल मनी टू मेट मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैश रिजर्व रेशो, वो अपनी CRR रेशो, कैश रिजर्व रेशो को मेंटेन करने के लिए कॉल मनी के थ्रू पैसे इकट्ठे करते हैं। द इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड रेट, इट इज़ वेरी वोलेटाइल रेट विच वेरीज फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स फ्रॉम आवर टू आवर, ये दिन के और घंटों के हिसाब से अलग होता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉल मनी एंड अदर सिक्योरिटीज, एज वैन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉल मनी इंक्रीजिज द अदर सिक्योरिटी बिकम चीप। ट्रेजरी बिल, खजाना बिल जिसको हम बोलते हैं, ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय RBI ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो इशू करता है। दिस बिल्स अनेबल गवर्नमेंट टू गेट शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स एंड दीज बिल्स आर सोल्ड टू बैंक्स एंड जनरल पब्लिक। अब इस बिल का क्या, किस लिए होता है ये बिल, गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के लिए, जो गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स करनी होती है तो दे कैन यूज़ ट्रेजरी बिल। ये किसको बेचे जाते हैं, बैंक्स को और जनरल पब्लिक को। दीज बिल्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये कैसे होते हैं हमारे नेगोशिएबल, मतलब हम किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। दीज आर इशूड एट अ डिस्काउंट, इन्हें डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। एंड दीज आर कंसिडर्ड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एज दीज आर इशूड बाय RBI, उनको सबसे सेफेस्ट मानते हैं क्योंकि इसको किसने इशू किया है, RBI ने। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल वेरीज फ्रॉम 14 to 364 days, 14 दिन से 364 दिन के बीच में होता है।
ट्रेजरी बिल ऑल्सो नोन एज ऑल्सो कोल्ड एज जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड्स, हम इसे क्या कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स के नाम से भी जानते हैं। दे आर इशूड एट अ प्राइस लोअर देन देयर फेस वैल्यू, उसकी फेयर फेस वैल्यू से कम पे इसे हम इशू करते हैं और रिपेड होते हैं पार पे। दीज आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000, ये 25,000 मिनिमम पे अवेलेबल होते हैं एंड इट इज़ मल्टीप्लाइज देयर ऑफ, या तो 25,000, 50,000, 75,000, 1,00,000, 1,25,000 एक्सेट्रा। फिर आता है हमारा कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल स्टूडेंट्स ये आप पहले सीख भी चुके हो, आपने 11th में चैप्टर पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो बिल बनाया जाता है उसे ही हम कॉमर्शियल बिल बोलते हैं। ट्रेड बिल्स, कॉमर्शियल बिल एंड अकोमोडेशन बिल्स आर बिल्स ड्रोन बाय द वन बिजनेस फर्म टू एन अनदर, एक बिजनेस फर्म ने दूसरे बिजनेस फर्म पर ड्रॉ किया है। दीज आर कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज इन क्रेडिट परचेज एंड सेल, जो किसमें यूज़ करते हैं, क्रेडिट सेल एंड परचेज पे। दीज हैव शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी पीरियड जनरली 90 days एंड कैन बी डिस्काउंटेड विद बैंक इवन बिफोर द मेच्योरिटी पीरियड। दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड। द ड्रोवी ऑफ द बिल ओनर्स द बिल ऑन ड्यू डेट, अ ट्रेड बिल इज नोटिंग बट रिटर्न एक्नोलेजमेंट ऑफ डेप्ट वेयर द मेकर ऑफ ड्रोवर इंस्ट्रक्ट्स और डायरेक्ट्स द पेई और ड्रोवी टू मेक पेमेंट विद इन द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। द ड्रोवी एक्सेप्ट द बिल एंड बिकम लाइबल टू मेक पेमेंट ऑन ड्यू डेट। तो स्टूडेंट इसके बारे में आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में, जो कि हमारा चैप्टर था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नंबर 4, कॉमर्शियल पेपर CP। द कॉमर्शियल पेपर वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990। कब इंट्रोड्यूस हुआ था ये, 1990 में। इट इज़ एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, कैसा है ये, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज विद अ फिक्स मेच्योरिटी पीरियड विच वेरीज फ्रॉम 3 to 12 months। ये एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है जो कि कौन इशू करता है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज करती हैं। सीन्स कॉमर्शियल पेपर्स आर अनसिक्योर्ड सो दीज कैन बी इशूड बाय कंपनीज हैविंग गुड रेपुटेशन एंड क्रेडिट वर्दीनेस। तो मतलब जो अच्छी कंपनी, जो गुड रेपुटेशन रेपुटेड कंपनी होती है वही इसको इशू करती हैं। द कॉमर्शियल बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स आर द मेन इन्वेस्टर्स ऑफ कॉमर्शियल पेपर्स। अब इसमें पैसे कौन इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड्स और कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं हमारे, जैसे कि लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसमें इन्वेस्ट करते हैं। फंड रेज थ्रू कॉमर्शियल पेपर आर यूज टू मेट इट्स फ्लोटेशन कॉस्ट। ये किसके लिए होता है, मेनली फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है स्टूडेंट्स कि अगर मान लो कोई कंपनी अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है और एक बड़ा फंड रेज करना चाहती है कैपिटल का, लेकिन उसको शेयर इशू करने के लिए, उस फंड को रेज करने के लिए भी कुछ एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे, तो उन एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए ये कॉमर्शियल पेपर इशू करती है। दिस इज़ नोन एज अ ब्रिज फाइनेंसिंग, ये इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज फाइनेंसिंग, मतलब हमें फाइनेंसिंग करने के लिए, बड़ी फाइनेंसिंग करने के लिए सबसे पहले छोटी फाइनेंसिंग करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल फर्म वांट टू रेज लोन लॉन्ग टर्म फंड्स टू बाय अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग मशीनरी, टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स बाय इशू ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स ऑफ कंपनी विल हैव टू इनकर फ्लोटेशन कॉस्ट सच एज ब्रोकेज कमीशन प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा। द फर्म कैन मीट दिस कॉस्ट बाय इशू ऑफ कॉमर्शियल पेपर, तो कॉमर्शियल पेपर के थ्रू इनको पूरा कर लेती है और बाद में वो अपने जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं उनको रेज कर लेती है। द मेन पर्पज ऑफ इशूइंग कॉमर्शियल पेपर मीटिंग फ्लोटेशन कॉस्ट या फिर शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CD। इट इज़ अ टाइम और डिपॉजिट, इट इज़ अ टाइम और डिपॉजिट विच कैन बी सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट, जिसे सेकेंडरी मार्केट में भी बेचा जा सकता है। ओनली अ बैंक कैन इशू CD, एक बैंक ही सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकती है। इट इज़ अ बियरर सर्टिफिकेट, इट इज़ अ बियरर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, कि जिस किसी के पास भी वो सर्टिफिकेट है, वो डॉक्यूमेंट है, वही उसके पैसे को कैश कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कैन बी ट्रांसफर इजिली, और यह भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और इसको भी इजिली ट्रांसफर किया जा सकता है। CD इज़ इशूड बाई बैंक अगेंस्ट द डिपॉजिट्स कीप बाई कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस। CD कब कैसे यूज़ होता है, जो भी बैंक पैसे जमा कराते हैं उसके बदले इशू होता है। द टाइम पीरियड ऑफ CD रेंज फ्रॉम 91 days टू 1 year, इसका टाइम होता है 91 days से 1 year। बैंक्स आर नॉट अलाउड टू डिस्काउंट दिस डॉक्यूमेंट, और बैंक इस डॉक्यूमेंट को डिस्काउंट भी
नहीं करती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, मनी मार्केट। मनी मार्केट मीन्स इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में लिंक एज लिंक बिन बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स, और इसमें सबसे पहली मार्केट थी हमारी मनी मार्केट, जिसमें सिक्योरिटीज आती हैं जिसकी मैच्योरिटी होती है विद इन 1 ईयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।